आप देख लो, कोई भी आंडू पांडू कोई भी रास्ते पे धरना आंदोलन करता है, रास्ते का काम चालू हो जाता है, तो कैसे चालू हो जाता है? नहीं तो कोई रास्ता बगैर बजट का बन नहीं सकता, लेकिन बजट हमने मंजूर किया है, इसलिए कोई भी आड़ा तिरछा कहीं बैठ जाए वो रोड चालू करवा सकता है। कि आप लोग भी अगर आपके वार्ड में रोड खराब है, आप भी रास्ते पे अगर बैठ जाएंगे तो रोड कल से चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने वो बजट में पकड़ा है। वो रास्तों की हालत बड़ी खस्ता है, और ये फौरी तौर पे अगर प्रशासक बजट रिलीज कर देते तो तमाम एस्टीमेट पाठ पुरावे शुरू हो जाएंगे और काम शहर भर में होने लगेंगे और आवाम को बड़ी राहत होगी। कामकाज जो शहर के रुके हुए वो शुरू नहीं हुए तो उसके बाद में गांधियाई तर्ज पे और कानून के दायरे में रहते हुए एक मजबूत आंदोलन का हमारी तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तायरा मैडम और सेक्रेसी साहब की कयादत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नगर सेवक थे वो एक वक्त की शक्ल में कॉर्पोरेशन महानगर पालिका में आए और यहाँ एक मनोरंडम दिया, क्योंकि हमने बजट का जो ठहराव किया था उसको देने को कम से कम 6 महीने हो गए और बजट वही आज तक आई नहीं। मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में जितने भी खराब रोड है उसमें से बहुत सारे रोड मंजूर किए गए थे जिनका काम चालू है, और जितने भी काम नहीं चालू हुए वो सब के सब हमने तायरा मैडम साहिबा ने बजट में पकड़ा था कि वो रोड बनना चाहिए, और बनने के लिए उसका पैसा उस बजट में रखा गया था, लेकिन वो बजट लेट करके कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब ये मालेगांव महानगर पालिका के हद्दी में जितने भी खराब रास्ते हैं उनका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता चलूं कि आज हम तायरा मैडम शेख रशीद साहब की क्यादत में आए थे और मोरंडम दे के गए, 8 दिन का वक्त दिया है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताता चलूं कि जितने भी मालेगांव शहर में रोड खराब है, रास्ते खराब है, वो सब के सब तायरा मैडम ने मंजूर किए हैं, लेकिन अब उसके बजट का गैर उपयोग करके बजट वही मालेगांव में ना इशू करते हुए उस बजट का गैर उपयोग करके बजट इधर उधर दिया जा रहा है, और वो बजट का यानी एक साजिश के तहत जो रास्ते खराब है वो मंजूर हमने बजट में तायरा मैडम ने शेख रशीद साहब ने और ये बॉडी ने की है, और वो बजट रिलीज नहीं करके कहीं ना कहीं ये साबित किया जा रहा है कि हम लोगों ने वो रास्तों का कुछ ख्याल नहीं करा। आप देख लो, कोई भी आंडू पांडू कोई भी रास्ते पे धरना आंदोलन करता है, रास्ते का काम चालू हो जाता है, तो कैसे चालू हो जाता है? ऐसे ही नहीं चालू हो जाता, उसका बजट पकड़ा हुआ है इसलिए चालू हो जाता है, नहीं तो कोई रास्ता बगैर बजट का बन नहीं सकता। लेकिन बजट हमने मंजूर किया है, इसलिए कोई भी आड़ा तिरछा कहीं बैठ जाए वो रोड चालू करवा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर आपके वार्ड में रोड खराब है आप भी रास्ते पे अगर बैठ जाएंगे तो रोड कल से चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने वो बजट में पकड़ा है। अब उसका गैर उपयोग हो रहा है, वो बजट का गैर उपयोग हो रहा है कि वहां का बजट यहाँ, यहाँ का बजट वहां लगाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वो बजट को रिलीज नहीं कर रहे। अगर वो बजट रिलीज हो जाए तो जितना भी रास्ता मालेगांव शहर में खराब है वो सब के सब बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट से शेख आसिफ साहब ने, शेख रशीद साहब ने, तायरा मैडम साहिबा ने, न्यूजन समिति से शेख आसिफ साहब ने, गवर्नमेंट ने सब बजट लाए, बहुत सारे रोड उससे भी बन रहे हैं, और जो हमने पकड़ा है महानगर पालिका में वो भी रोड बन जाता अगर अभी तक बजट रिलीज हो जाता। बजट नहीं रिलीज करके तो इसका यानी कॉर्पोरेशन की नियत समझ में आती है कि इनका मकसद यही है कि यहाँ का बजट कहीं और लगाया जाए, इसलिए बजट को लेट किया जा रहा है। अगर 8 दिन का टाइम दिए हुए कि अगर 8 दिन में बजट रिलीज नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो मैं मालेगांव शहरवासियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जब भी आपके हित में, शहर के हित में आवाज देंगे, आप लोग आने को तैयार है, इतने ही बोल के अपनी बात खत्म करते। अभी जो है महापौर साहब जो है
8 दिन का वक्त दिया प्रशासन को, तो क्या आप लोग 8 दिन में आएगा कामकाज नहीं होगा? बजट साइन किए हुए बॉडी ने बजट साइन कर दिया था, बजट साइन होने के बाद में एक प्रोसीजर होती है जो कमिश्नर को पूरी करनी रहती है। ठीक है, प्रशासक राज आया, बॉडी की मियाद पूरी हो गई, लेकिन जो शहर की जरूरियात थी तमाम इलाकों से, जो नगर सेवकों के माध्यम से रोलिंग अपोजिशन तमाम वार्डों के नगर सेवकों के जरिए से जो रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि भाई फला रोड की ज़रूरत है, फला नाले की ज़रूरत है, फला गटर की ज़रूरत है, ये तमाम तर कामों की तरमीम, तमाम तर कामों की प्लानिंग इस बजट के अंदर पकड़ी गई है। अगर ये बजट समय पे कमिश्नर प्रशासक अगर रिलीज कर देते तो ये काम ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे और इससे शहर के बहुत सारे मसाइल, मैं समझता हूँ, एक बड़ी कामयाबी रहेगी ये, और लोगों के काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग शहर में चल रहे हैं, हम लोग मुसलसल देख रहे हैं कि जो रास्तों के बजट की हमने प्लानिंग कर चुकी है और जो बजट के अंदर जिस रास्तों को हमने पकड़ा हुआ है वो रास्तों की हालत बड़ी खस्ता है, और ये फौरी तौर पे अगर प्रशासक बजट रिलीज कर देते तो तमाम एस्टीमेट पाठ पुरावे शुरू हो जाएंगे और काम शहर भर में होने लगेंगे और आवाम को बड़ी राहत होगी। अभी शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में एक शिष्टमंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से आया और प्रशासक को एकदम फाइनल अल्टीमेटम 8 डे का दिया हुआ है, एक हफ्ते का। अगर 8 दिन में इन्होंने बजट को रिलीज नहीं किया और कामकाज जो शहर के रुके हुए वो शुरू नहीं हुए, तो उसके बाद में गांधियाई तर्ज पे और कानून के दायरे में रहते हुए एक मजबूत आंदोलन का हमारी तैयारी है, ऐसा हमने इशारा प्रशासक को दे दिया।